मुहर्रम के हवाले से अगर हम एक टेक बना रहे हो, जैसे इसमें 5 किलो गंदम, 5 किलो चने की दाल और 1-1 किलो मूंग मसूर माश, 1 पाव हल्दी, 1 पाव मिर्ची पिसी हुई और 1 किलो नमक और 1/2 किलो मलीर ये, और गोश्त हलीम में गोश्त भैंस का डालना चाहिए, जायका आता है, बाकी गोश्त मज़ा नहीं करेगा। 10 किलो गोश्त हो बगैर हड्डी का, ये 10 किलो डेक के, ये हलीम पूरा आपका तैयार होगा, 50 kg पूरा, 50 kg ये जो डेक अमूमन जो होती है बिरयानी की, ये भर के बनेगी। इसका तरीका ये है कि गोश्त को पहले बॉयल किया जाता है अदरक लहसुन में डाल के, उसको रात भर हम पकने देते हैं, उसके बाद जो है जब सुबह ये गल जाता है, कम से कम 8 घंटे गोश्त गलता है, बड़े का गोश्त 8 घंटे गलने के बाद, उसके बाद हम जो है इसको निकाल लेते हैं, फिर इसका रेशा करते हैं, जितने ख़राब गोश्त होता है छीछड़े वगैरह वो साफ़ कर देते हैं, उसके बाद हम कोरमा बनाते हैं, हल्दी मिर्ची नमक ये डाल के, अदरक लहसुन डाल के और घी डाल के इसका कोरमा बनाते हैं, कोरमा बन जाता है तैयार हो जाता है, फिर हम ये गोश्त डाल देते हैं। इधर हम हलीम का जो है सबसे पहले पानी डाला जाता है, पानी जब उबलने लगे उसके बाद वो जो हमने जो सामान रखा होता है उसको हम 1 घंटा पहले भिगो देते हैं, फिर उसको धोते हैं हम टोकरी में निकाल के, फिर जब वो पानी उबलने लगता है वो उसमें डाल देते हैं। एक दफ़ा खद्दा आया, खोल आया, उसको फिर स्लो कर दिया, लकड़ी हमने बाहर निकाल ली मुहर्रम के हवाले से, फिर उसको हमने पकाना है बिल्कुल मट्टी पे, मट्टी जो सेक होती है उसकी, उस पर आराम से पकता रहेगा, वो गल जाए फिर आप घोटा लगाएं, उसको बार बार देखेंगे तो वो दाल ऐड जाएगी अनाज, और कोरमा एक तरफ पक रहा होता है अलग, जब वो दाल पकने लगे फट जाए गंदम भी, बिल्कुल हलवा हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल से 1/2 घंटा घोटा लगेगा, जब वो बिल्कुल गल जाता है फिर हम कोरमा लगाते हैं, वो कोरमा इसमें डाल देते हैं, हम कोरमा डाल के फिर इसको चलाते हैं, फिर घोटा लगाते हैं, घोटा लगा, लेकिन ये पकेगा धीमी आँच पर, ये नहीं कि तेज़ आँच हो, हल्की हल्की आँच पर, और उसके बाद जब हम इसको पका लेते हैं तैयार हो जाता है, फिर इस पर बघार लगाते हैं प्याज का। हम पहले घी को लाल करेंगे, तकरीबन 2.5 kg घी और तकरीबन 2.5 किलो प्याज, इसको हम लाल करेंगे, लाल करके इसको बघार लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम ज़ीरा लगाएंगे और गरम मसाला पहले लगाएंगे, यानी गरम मसाला जो होता है लौंग दालचीनी जायफल जावित्री, ये लगेगा 1/2 पाव एक डेग में, ये पिसा होना चाहिए, और पुदीना लगेगा इसके अंदर तैयार होने के बाद, जब हम बघार लगा लेंगे ना फिर पुदीना लगा दें। ये मकसद ये जो हमने आपको बताया बिल्कुल बेहतरीन बनेगा, इस बात की मेरी गारंटी है।